दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह हो सकती है मूसलाधार बारिश, तो केरल के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश संभव। कल उत्तर के पहाड़ी इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। सोमवार को अरब सागर समेत केरल के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाके में ब्रोकली बोए तो उत्तरी मध्य ओडिशा में मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, ज्वार और टमाटर की करें रोपाई। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे अगले दो दिन कहां होगी बारिश। तो आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल के कुछ हिस्सों में भी दो दिन झमाझम बरसात के आसार हैं। आपको बता दें कि दो दिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में दो दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो शनिवार को इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बारिश। कल तटीय तो दो दिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। दो दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आने वाले दो दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक दो जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कल छुटपुट बरसात हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में दो दिन बारिश के आसार नहीं है। वहीं गंगेय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहां अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में दो दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी दो दिन बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा कोंकण और गोवा में फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहां तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में दो दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का आसार है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल कई जगह तो सोमवार को अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अनेक इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी एक दो जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा केरल में दो दिन ज्यादातर जगहों पर हो सकती है बरसात। आइए अब डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की स्थिति पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई, तो वहीं गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगह बादल बरसे। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बरसात हुई। तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में इस दौरान कहीं कहीं बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर बारिश हुई, तो इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में एक दो जगहों पर बरसा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश हुई, तो वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक दो जगहों पर बादल बरसे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा, तो वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया।
इस दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया, तो वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में भी अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय आंध्र प्रदेश के कावली में दर्ज किया गया, यहां 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। और आइए अब जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान का हाल देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा। पंजाब में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मशरूम की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन, बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान, इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800180080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस समय बहुत सी फसलें कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, ऐसे में किसान समय से उनकी कटाई कर लें। इसके साथ ही नई फसलों की बुआई और रोपाई से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खेतों को तैयार करें। फिलहाल पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके के किसान इस समय मूंग, उड़द और सोयाबीन के खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां धान के खेतों को सूखा ना रखें, उनमें 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय अदरक में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, अगर प्रकोप दिखाई दे तो संक्रमित गुच्छों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल के जलहौड़ इलाके के किसान इस समय ब्रोकली लगा सकते हैं। ब्रोकली लगाने के लिए किसान किसी प्रमाणित स्रोत से बीज लें और नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही इसकी रोपाई के लिए मुख्य खेत भी तैयार करते रहें। खेत तैयार करने के लिए खेतों में प्रति हेक्टेयर 12 से 15 टन गोबर डालें और 4 से 6 सप्ताह के बीजों की रोपाई करें। रोपाई के तुरंत बाद उनमें सिंचाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में धान के खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। इसके साथ ही यहां सुपारी के पेड़ों को सड़ने से बचाने के लिए बागों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। पश्चिमी उड़ीसा के असमतल इलाके में तैयार मक्के की कटाई कर लें और इन्हें 4 से 5 दिन धूप में अच्छी तरह सुखाएं। वहीं पश्चिमी मध्य उड़ीसा के पठारी इलाके में मूंग, उड़द और चने के अलावा टमाटर की बुवाई कर लें। इसके साथ ही यहां फूलगोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं किसान। यहीं गेंदा, गुलदाउदी, ग्लैडियोलस और गलार्डिया जैसे फूलों की बुवाई करें। उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा के पठारी इलाके में सोयाबीन की बुवाई करें। इसके अलावा यहां जिन इलाकों में धान की फसल 85% तैयार हो चुकी है उसकी कटाई कर लें। कटाई के बाद धान को 3 से 4 दिनों तक धूप में सुखा लें। इसके साथ ही यहां के किसान इस समय रागी और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही उत्तरी मध्य उड़ीसा के पठारी इलाकों के किसान इस समय मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, ज्वार और टमाटर जैसी सब्जियों की रोपाई करें।
मशरूम की लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली है। आज मशरूम अच्छी कमाई दे रहा है। फिलहाल शिटाके, ऑयस्टर और दूधिया मशरूम की बुआई का समय है। आइए जानते हैं कैसे करें मशरूम की खेती। मशरूम, जिसे खूम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शीताके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा एक साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और दो ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85 फीसदी नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1,500 से 2,500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। तो आपने विस्तार से जाना मशरूम की खेती के बारे में और किस तरह से आप इससे लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मौसम के अनुसार इस वक्त खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोंकड़ में तैयार धान और बाजरे की कटाई जारी रखें। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में किसान इस समय सूरजमुखी, चना और लोबिया की बुआई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय काबुली चने की बुआई करें। मध्य महाराष्ट्र में किसान इस समय गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। मध्य महाराष्ट्र में रबी ज्वार की बुआई और गन्ने की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा और मक्के की कटाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान इस समय कपास की चुनाई कर सकते हैं। विदर्भ में खरीफ ज्वार की कटाई और कपास की चुनाई करते रहें।
विदर्भ में ही सोयाबीन की कटाई का काम पूरा कर लें। विदर्भ में किसान धनिया, पालक, मेथी, मूली, गाजर, सेम और कुंदरू की बुआई जारी रखें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। बैंक सर, अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि मौसम के लिहाज से किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में किसान चना, सरसों और लहसुन की बुआई करें। मध्य गुजरात में सरसों और काबुली चने की बुआई समय किसान कर सकते हैं। मध्य गुजरात में ही गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। मध्य गुजरात में सुबह के समय तैयार कपास की चुनाई करें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय गन्ने की बुआई कर लें। दक्षिणी गुजरात में शकरकंद की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिण गुजरात में धान की कटाई के तुरंत बाद किसान अरहर लगा लें। दक्षिण गुजरात में टमाटर और मिर्च की तुड़ाई करें। उत्तर गुजरात में किसान इस समय सरसों, जीरा और सौंफ की बुआई कर लें। यहीं पर चना, काबुली चना और गेहूं की बुआई के लिए किसान इस समय खेत तैयार करें। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में कल कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार को दक्षिण पूर्वी अरब सागर और केरल के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले चार दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।